गया, चलो कौन सा खेल, चलो ध्यान देना, सोशल साइंस ना, क्वेश्चन मैंने किया है। हाँ ठीक, देखें ठीक है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो जी? दो भाई देखने को मिल रहा कि सोशल साइंस का सेकंड सेटिंग का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा नॉर्मल रहा फर्स्ट सेटिंग से, है ना। सब लोग खूब डर रहे थे सर कि फर्स्ट सेटिंग वाला क्वेश्चन ईजी रहता है, सेकंड वाला हार्ड रहता है, बट यहाँ पे सेकंड वाला ज़्यादा आसान दिख रहा हमको। हाँ गुड इवनिंग, क्लास चलेगी शाम के लिए? क्लास चलेगी व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। हाँ शाम के लिए क्लास चलेगी। सेकंड सेटिंग किसका था? आप लोग का सेकंड सेटिंग था ना, लेकिन मिलाते हैं आंसर। और ऑब्जेक्टिव ठीक ही ठाक रहा सेकंड सेटिंग में, नॉर्मल रहा, फर्स्ट सेटिंग से ज़्यादा आसान रहा सेकंड सेटिंग, नॉर्मल क्वेश्चन रहा फर्स्ट सेटिंग से। बना लिए होंगे बहुत सारा, बट कुछ ऐसा सवाल भी था जो एकदम दिमाग के बाहर भी था। अगर आप पढ़े होंगे किताब वगैरह ध्यान से तो आराम से उसको आप बना लीजिएगा। तो चलिए फटाफट हम आंसर मिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि शाम 6 बजे लाइव भी आना है, उसके लिए शाम 6 बजे भी लाइव भी आना है। चलिए ठीक है, सेटिंग देखिए बड़ा आसान था सवाल, मिलाते हैं। मेरे पास जे वाला सेट है, आपके पास जो भी सेट है मिलाइए, क्या आंसर ठीक लगाए। और कुछ कुछ सवाल जो है विचलित करने वाला सवाल था। देखिए इंदिरा गांधी नगर, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? पहले सवाल दाग दिया है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, तो बड़ा डीपली से पढ़ना पड़ेगा। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिल्ला जो है राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ओके ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। हाँ बनाए हैं, हिमाचल प्रदेश, सॉरी असम मार दिया, हिमाचल प्रदेश है ना। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो हिमाचल प्रदेश में होगा, इसका ऑप्शन बी होगा हिमाचल प्रदेश। देखते हैं भारत किस खनिज के उत्पादन में सबसे आगे है? फिलहाल अभ्रक जो है भारत में ज्यादा होता है, बिहार झारखंड में पता ही है। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट, सवाल कुछ सवाल है बट बहुत सा सवाल जो एकदम नॉर्मल सवाल है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो ये पढ़ेंगे झारखंड में पढ़ेंगे। ओके दामोदर घाटी जो है झारखंड में है। आगे दिया हुआ है दक्षिण भारत के सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो तमिलनाडु तो पता ही है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु गन्ना ज्यादा उत्पादन होता है। विश्वेश्वरैया पढ़ा गया था, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कहाँ है? भद्रावती कर्नाटक में। ये मतलब सेकंड सेटिंग का जो ऑब्जेक्टिव था एकदम नॉर्मल लॉलीपॉप जैसा था, मतलब इतना था कि आराम से बना लीजिएगा। लेकिन फर्स्ट सेटिंग का जो ऑब्जेक्टिव था ना वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बना था? देखिए एकदम नया सवाल दे दिया था, मांझगांव। ओके पढ़ते हैं कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? ग्रामीण क्षेत्र में कृषि ज्यादा होता है तो बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। ओके फिर है वैश्वीकरण की नीति किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ किया? सब बताया हुआ सवाल था, पढ़ा हुआ सवाल था कृषि में। पढ़ते दिनार कहाँ की मुद्रा है? ओके देखिए दिनार कल ही पढ़े थे, रियाल दिनार, तो दिनार जो इराक का मुद्रा है, इराक का मुद्रा क्या है? दिरान, ईरान का रियाल है। 11वीं पंचवर्षीय योजना देखिए ये भी पढ़ाए थे 2007 से 2012, है ना। नेक्स्ट है गैस और बिजली उत्पादन का काम कर रहा है तो कौन सा क्षेत्र होगा? उत्पादन वाला काम होगा द्वितीय क्षेत्र में, है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा हो उसको बोलते हैं समावेशी विकास, जहां पे सभी को देख के किया जाता है ना, समावेशी विकास उसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? पहली ये पढ़े थे राष्ट्रीय विकास परिषद ने जारी किया था 1949 में, 2002 में ना ये सवाल आया था उसमें कि पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया था, पहला सेटिंग में था सेकंड में ये दे दिया। देखिए फिर बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, एकदम आसान सवाल था सेकंड सेटिंग में, आराम से बना लिए 40 को। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? अरे इसका मतलब हुआ कि जो पंचायती राज का सिफारिश किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। ओके आगे सवाल दे हुआ है
कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थापना के लिए, नगरीय स्थानीय के लिए होगा, 74वां और पंचायती 73वां था, ठीक है। फिर देखो चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ, है ना हल्का सवाल, इतना हल्का उसमें नहीं था भाई, उत्तराखंड में। ओके, आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा आपातकाल की घोषणा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे किस देश में, जिस देश में संघात्मक शासन नहीं है, तो चाइना में संघ शासन नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल, कितना आसान सवाल था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 वाला, है ना। फिर सवाल है किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, देखिए कितना बहुआ टाइप का सवाल दे दिया भाई, ये गलत किया ना, फर्स्ट में थोड़ा हार्ड कर दिया, सेकंड में थोड़ा सा नॉर्मल कर दिया, मजा नहीं आ रहा। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में समानता की बात करते हैं, जनमत है, मतभेदों में सामंजस्य है, तो तीनों बात हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय कर्मान दादा भाई नौरोजी 1868 में, चक्रीय प्रभाव में उत्पादन व्यय आय सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं, लीजिए पूरा वही छाप दिया, आय उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। कुछ वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो ये बोलेंगे अरे ग्रामीण बैंक, क्या बोलते ग्रामीण बैंक वगैरह जो था ना, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश से। सकल घरेलू जीडीपी का सबसे कम योगदान किस क्षेत्र, सबसे कम योगदान जीडीपी का मिलेगा प्राथमिक क्षेत्र से, है ना, प्राथमिक क्षेत्र से कृषि में से कम मिलता है। क्या आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं, देखिए सेम सवाल, आर्थिक आधारभूत संरचना कौन हो गया, ये तीनों बताएगा, गैर आर्थिक होगा, आर्थिक कौन होगा, यातायात होगा, है ना, यातायात होगा आर्थिक का। फिर है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, डब्ल्यूटीओ, देखो कितना मस्त सवाल दे दिया, जिनेवा में है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था के सभी अंतिम वस्तुओं का सेवाओं का मौद्रिक आय, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहते हैं, दामोदर नदी को बोलते हैं बंगाल का शोक, बताए थे आपको। महासागर के तल पर होने वाले कंपन क्या कहते हैं, यस सुनामी कहते हैं, महासागर में जो होता है। ओके, मेघालय किस राज्य से कट के बना है, मेघालय जो असम से कट के बना है, असम से बना है मेघालय। समर्थित सूची में राज्य सरकार संघ राज्य और राज्य संघ दोनों आ जाएगा, है ना, ये भी दोनों। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, लीजिए भाई साहब ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच, है ना। जनमत पर आधारित कौन है लोकतंत्र, जो जनता पर आधारित है लोकतंत्र, क्या है जनता पर आधारित लोकतंत्र है। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, तो ग्राम सभा का जो सदस्य होता है वो सरपंच का निर्वाचन करता है। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ हुआ था, पता है ना, पढ़े थे ना, सप्तदलीय गठबंधन किया था कहाँ, नेपाल में, लोकतांत्रिक स्थापना करने के लिए। सार्डिनिया का राजा कौन था, इमैनुअल विक्टर इमैनुअल जो है सार्डिनिया का राजा था, विक्टर इमैनुअल। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की, ये था लेनिन ने। ओके, लेनिन ने किया था। इटली के एकीकरण में कौन नायक था, सब हो जागा, कितना आसान सवाल पूछ दिया ना। 17 की पहली रूसी क्रांति के नाम से किसको जानते हैं, फरवरी क्रांति जानते हैं, जो 1917 जो क्रांति उसका पहले वो बोला गया फरवरी क्रांति, है ना। कौन उदारवादी नेता नहीं है, विपिन चंद्र पाल जो है क्रांतिकारी था वो। किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग किया था, पार्लियामेंटो सुधार 1909। भारत में पहली कपड़ा मिल, पढ़े ना, पहली कपड़ा मिल जो है कहाँ, महाराष्ट्र में मुंबई में। कार मिला किस देश में लाया था, कार ने लाया था ब्रिटेन, है ना, अन्ना भुट्टा के लिए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु बताए थे आपको, याद है गोपाल कृष्ण गोखले इसके राजनीतिक गुरु थे। कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था, फ्रांस जो है धूरी राष्ट्र में था, बाकी तीनों मित्र राष्ट्र में था। संवाद कौमुदी ये किस भाषा में था, बंगला भाषा में था। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता बताया था, मुक्तिदाता कौन था, चार्ल्स मेटकॉफ मुक्तिदाता। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था रक्त और लौह नीति का अवलंबन। बोहिविया ये मिला नहीं, बोहिविया ने किस देश के अधीन था, ये मैं कंफर्म नहीं हूं, बट यहाँ पे डी लगा हुआ है, सी पता नहीं, कंफर्म नहीं हूं मैं। ओके, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जर्मनी और रूस के बीच हुई थी, जो पढ़ के गए थे पूरा बना लिया इसको आराम से। 1871 के विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था, विलियम प्रथम ये कंफर्म मैं नहीं हूँ, नोट कंफर्म, आई एम नोट कंफर्म। तो हो सकता है 1871 में हुआ तो जर्मनी हो सकता है मेरे ख्याल, चूंकि इटली का एक जर्मनी का एकीकरण भी हुआ था, हो सकता है इटली या जर्मनी। कोपरा क्या, कोपरा जो है वो मानव उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, फुल फॉर शॉर्ट फॉर्म है, देखिए
कंज्यूमर से को लिखा, प्रोटेक्ट से पीआर को आर ए कोपरा है ना, शॉर्टकट लिया। भूमि विकास बैंक को पहले जो भूमि बंधन बैंक, बंधक बैंक के नाम से जानते थे। भारत में रेलवे की शुरुआत किसने किया था, डलहौजी ने किया था रेलवे की शुरुआत। देख रहे ना कितना हार्ड से, लुई सोलावा को फांसी दिया गया 1793 में। नाइन वाला सवाल दे दिया। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था, नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू किया था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था, स्टालिन जो है लेनिन के बाद स्टालिन बना था। ओके पोर्ट्स क्या है, पोर्ट सिस्टम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था, जापान। ओके जापान होगा इसका राइट आंसर। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास पहले अध्यक्ष थे। ओके कौन अजैव संसाधन है, अजैव कौन है, नदी मतलब जैविक, देखा सजीव कौन है कौन नहीं है, नदी हो जाएगा। रेगुर लीजिए भाई, रेगुर किसको बोला गया, काली मिट्टी को बोला गया रेगुर मिट्टी। सरावती नदी कहाँ है पता है आपको, कर्नाटक में है। सरावती नदी कर्नाटक में है। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है, 24.62%। नरकटिया तेल कहाँ है, नरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ है, यह है शायद असम में, नरकटिया तेल अरुणाचल प्रदेश। असम प्रथम राष्ट्रीय नीति जल नीति कब लाया गया था, 1987 में। किस वर्ष से सबसे भयंकर भूकंप आया था बिहार में, 34 में आया था। कहाँ ताप विद्युत महत क्षेत्र है, ताप विद्युत तीनों जगह है बरौनी। उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद में है। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी, 36 में हुई थी। बिहार भारत में सड़कों की लंबाई की दिशा से प्रथम स्थान नहीं है, प्रथम तो यूपी का है तो ऑप्शन नहीं दिया तो दूसरा मार सकते हैं, राजस्थान में दूसरा है। कौन राज्य चक्रवाती तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, उड़ीसा ज्यादा प्रभावित होता है, चक्रवात ज्यादा उड़ीसा में आता है। प्राथमिक उपचार क्या करेंगे, बैंडेज टेप, ये सब पहली बार कुछ हो जाए तो बैंडेज लगाएंगे, टेप लगाएंगे है ना। आसवन बांध जो है नील नदी पर है, देखिए नील नदी पर आसवन बांध बना हुआ है। रिक्टर पैमाने से क्या मापते हैं, भूकंप इसकी तीव्रता मापते हैं। पूर्वी बिहार ये मैं कंफर्म नहीं हूँ बट आंसर मार सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो दक्षिणी बिहार है ये उत्तरी बिहार है तो मार सकते हैं पूर्वी बिहार भूकंप, बट कंफर्म मैं नहीं हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं क्या था, शीत युद्ध ये जो सवाल में दिया था, साम्यवाद क्या हुआ आंदोलन, नॉर्मल सवाल था इसमें यार। सूचना का अधिकार किस प्रकार, ये तो मेरा गैस वाला सवाल था, ये भी था संघ चार विशेषता था, बहुत व्यवस्था क्यों अपना, अरे वाह ये तो गैस वाला सवाल मिल रहा पूरा, किसान ने उनके मुख मांगे इतने गैस के थे। हाँ ये जिम्मेदार कारक क्या है, बस वैश्वीकरण मिश्रित अर्थव्यवस्था वित्तीय संस्थाओं महिला सशक्तिकरण, ये तो महिला सशक्तिकरण में गैस भी किया होता आज सुबह में। मुद्रा कार्तिक महत्व क्या है, परमाणु शक्ति मैग्नीज की उपयोगिता, ये तो कुछ अलग है। नहरों का विकास क्या, मैंग्रोव वन जरूर मृदा जो भी कहो। सेकेंड सेटिंग का जो क्वेश्चन था वो फर्स्ट सेटिंग से ज्यादा आसान था। ओके